बस स्टार्ट रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीज इन एवरी आवर बाय सडन अमाउंट इफ इट टेक्स 7 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर देन व्हाट विल बी द आवरली इंक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ द बस. ओके तो सबसे पहले देखिए 7 बार वो इंक्रीमेंट हुआ. सबसे पहले जो इंक्रीमेंट हुआ उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं. 7 बार इंक्रीमेंट हुआ, सबसे पहले क्या इंक्रीमेंट हुआ, 33 तो उसका मतलब इनिशियल स्पीड है 33. फिर क्या हुआ होगा, 33 प्लस एक्स हुआ होगा. फिर क्या हुआ होगा, 33 प्लस 2x हुआ होगा. हाँ यही तो हुआ होगा. हाँ यही हो. फिर क्या हुआ होगा, ये कितना बार हुआ, 7 बार हुआ. ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 और 7 बार में क्या होगा, 33 प्लस 6x. इतना समझ में आया. अब ये लोग का 7 बार हुआ है तो एवरेज फाइन करना है. एवरेज फाइन करने अगर सेम नंबर का डिफरेंस है तो क्या करना है, एवरेज फाइन करने का फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2. सो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2. ये तो 7 बार का वो है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 315. अब इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा. इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं. तो मेरा आ गया यहाँ पे 33 प्लस 33 कितना हो जाएगा मेरा 66 प्लस और मेरा क्या होगा 6x बाय 2 था इंटू 7 इक्वल टू कितना था 315. ओके अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं और करते हैं कितना हो जाएगा 33 प्लस 2 3 6 3x बाय 2 इंटू 7 इक्वल टू 315. 2 कैंसिल कर देते हैं. 33 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 33 इंटू 7 करेंगे तो 231. ये क्या है, प्लस है, प्लस है. 37 जो 21 और x इक्वल टू कितना है 315. अब कीजिए डायरेक्ट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा. 315 माइनस 231 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा. 21 1 21 21 4 जा सो x इज इक्वल टू 4. सो जो कि मेरा आंसर होगा. थैंक यू.